हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पैरी द क्वीन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मौसम बहुत बढ़िया है, बादल बादल हो रहे हैं सारे में। देखिए दिखाता हूँ, देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम है। और ये नालायक, अभी जो बारिश आ गई थी, बारिश में फंस गए थे, तो खैर अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई और हम फिर बैठ गए यहाँ अपने जहाँ हम रोज़ बैठते हैं। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में घर, मैगी एरी और जिम्मी, वो जिम्मी कह रहा हूँ, पैरी बनी उधर, बनी के पापा, पैरी के पापा आ रही है, मैगी के पापा तीनों के पापा इधर हैं। ओ नालायक, सो जा। तो मुझे कल एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि क्या हम इस डॉग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डॉग रख के, तो उससे क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप डॉग रख सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डॉग के बारे में। जैसे कि बेसिक की बात करूँ, डिवॉर्मिंग कब होती है, टाइम टू टाइम होती है, मल्टीविटामिन कैल्शियम कब देना है कब नहीं देना, इसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उस भाई ने क्वेश्चन ये भी करा था कि हम मैं जर्मन शेफर्ड लूँ या लैब्राडोर लूँ, और केसीआई लूँ या नॉन केसीआई लूँ। तो देखिए, कुछ फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता नॉन केसीआई केसीआई लेने से, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जेब का खर्च कितना है, आपका मतलब आपके पास कितना अमाउंट है लगाने के लिए। अगर मैं बात करूँ, अगर घर में आप फीमेल रखना चाह रहे हैं, अगर आप फीमेल रखेंगे तो कम से कम आपको दो फीमेल रखना, कम से कम की बता रहा हूँ मैं, दो फीमेल। इससे क्या होगा, आपको कुछ आता हुआ भी दिखाई देगा। आने का मतलब कि अगर आप एक एक फीमेल लेते हो तो उसमें हो सकता है आपको इतना बेनिफिट हो, आपको यार हमें तो कुछ भी नहीं बेनिफिट हुआ। आप कम से कम दो फीमेल लेना। तो वो भाई मुझे बोल रहा था कि मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में शायद, जहाँ तक मेरी मुझे नॉलेज है, तो लैब्राडोर की भी डिमांड काफ़ी अच्छी है। अगर आप डॉग की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं पार्ट टाइम में, तो आप ऐसे एक काम करना, आप जो है लैब्राडोर की फ़ीमेल रखना, बड़ी 8-10 महीने की फ़ीमेल लेके आना, अडल्ट, अगर आपको जल्दी से प्रॉफिट चाहिए। अदरवाइज़ आपको लेट में अगर चाहिए तो आप पप्पी से स्टार्ट कर सकते हो, पप्पी आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ी फ़ीमेल होगी थोड़ी महंगी मिलेगी। लेकिन आपको करना क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना भाई, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च करोगे तो अच्छे करना। एक फ़ीमेल डालोगे या एक फ़ीमेल लो या दो फ़ीमेल लो, तो अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल लेना, अच्छी क्वालिटी की, कि वो आपके पास आ जाएगी 20,000 से 25,000 के समथिंग, आपको एक नई फ़ीमेल आ जाएगी अच्छी क्वालिटी की। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो केसीआई में लो या नॉन केसीआई लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि पेपर में 2-3 हज़ार रुपये का फर्क रहता है। अगर वही चीज़ आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च करोगे तो आपको पेपर में ही मिल जाएगी। तो आप जो लैब्राडोर से स्टार्ट करना, कम से कम दो फीमेल ला के रखना, दो फीमेल रखोगे तो आपको बजट अच्छा मिल जाएगा, आपको पैसे भी इनकम एकदम से हो जाएगी। अब मेरी बात करूँ तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले पप्पी लेने की सोच रहा था कि मैं फ़ीमेल लूँ पप्पी, तो मेरा एकदम मूड, मुझे जो ब्रीडर है मेरा फ्रेंड, उसने मुझको मना कर दिया कि एक काम करो आप बड़ी लो, बड़ी से आपको क्या होगा 2-4 महीने बाद इनकम भी हो जाएगी। तो मेरी बात करूँ तो मैं पैरी को मैं जब लेके आया था, मैं बड़ी लेके आया था, उस वक्त इसकी एज थी 12 महीने की, लेकिन ये एक फ़्रेश फ़ीमेल थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको कम से कम ये मेरे पास 4 महीने बाद ये कंसीव हुई, मतलब हीट पे आई, 2 महीने बाद बच्चे हुए। तो मेरा इस पर जो उस तक इसके लाने का कोर्स से लेकर और इसके पप्पी तक का जितना भी खर्चा आया, वो मेरे पास करीबन 40,000 रुपये समथिंग इसका खर्चा आया था। तो उसके बाद देखो, और मैंने इसके पप्पी बेचे थे, फर्स्ट लीटर जो मैंने बेचा इसका, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने 70,000 रुपये इसका लीटर बेचा था, 70,000 रुपीज़ का। और देखो, मुझे एकदम से प्रॉफिट हुआ 30,000 का, यानी कि 30,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे, तभी के तभी। तो उसके बाद देखो मैंने क्या किया, 40,000 जो मेरे लगे थे वो मैंने अलग कर दिए, 30,000 में से मैं कुछ गोरी लेके आया कुछ पैसों की उसमें से, और कुछ मैंने इनके फिर वापस जो इनके खाने पीने में पैसे खर्च हो गए, और कुछ मैंने भी खर्च कर दिए थे। तो मैं एक छोटी सी राय दूंगा, अगर आप घर में सोच रहे हैं कि यार छोटा सा इनकम कर लें, इनकम हो जाए, तो कम से कम आप दो फीमेल रखना, एक से आपको इनकम नहीं होगी, ठीक है? तो कम से कम दो फीमेल ला के रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप लैब ही लाओ, कोई और सी भी ला सकते हो, ऐसे छोटी ब्रीड रख सकते हो, जैसे पग हो गया, बीगल हो गया, ये भी आप रख सकते हो।
लेकिन जर्मन शेफर्ड की बात करूँ तो जर्मन शेफर्ड आप तब रखना जब आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि उसमें जो है बीमारी भी थोड़ा जल्दी आप पकड़ता है। बीमारी का मतलब उसमें लैग बैंड का इशू या कुछ और भी बहुत सारे इशू रहते हैं, और दूसरी बात उसमें कोर्ट की भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमें चुप हो जाना लैग। उसमें कोर्ट कई तरह का कोर्ट आता है, मीडियम कोर्ट, लॉन्ग कोर्ट, शॉर्ट कोर्ट, डबल कोर्ट, बहुत कोर्ट आता है, फिर एंगुलेशन का भी फर्क रहेगा। तो उसमें आप जो घूम जाओगे सिंपल से, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लैब्राडोर में करना, 15-20 हज़ार 25 हज़ार में एक बढ़िया फीमेल आ जाएगी अच्छी क्वालिटी की, और उसी से आप दो फीमेल रख लेना अगर करना चाह रहे हो, और उस दो फीमेल से आपको अगर बड़ी फीमेल रखोगे 10 से 11 महीने की, आपको 4 से 5 महीने में एकदम से इनकम हो जाएगी। अदरवाइज़ नहीं करना चाह रहे बड़ी से स्टार्ट तो आप छोटे पप्पी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वही उसमें कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी देखो मेरे पास ये मैगी बैठी हुई है, पैरी सॉरी, अभी इसका आने वाला जो भी हिट पे आएगी, लेकिन ये मुझे कन्फर्म है कि हाँ भाई 2-4 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो मेरी मैगी है और गोरी है इनमें टाइम लगेगा, मुझे पता है। हाँ भाई इनको तैयार होने में 5 महीने का टाइम लगेगा। देखो पैरी से मुझे क्या क्या प्रॉफिट मिला, पैरी मेरी फ्री पड़ गई मुझे भाई, 70 हज़ार के मैंने पपी बेचे, 70 में से 40 का मेरा खर्चा आया था वो निकाल दिया मैंने, ये मुझको फ्री में पड़ गई, और उसकी बच्ची है मैगी है, मैगी मेरे को देखो प्रॉफिट में पड़ी हुई है। और प्लस जो 30 हज़ार आए थे उसका मैंने कुछ पैसों से गोरी को लिया आया था, और कुछ मैंने खुद पे खर्च कर दिए, कुछ इन पे खर्च कर दिए। तो देखिए अच्छा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, आप भी कर सकते हैं प्रॉफिट। अच्छा जो फ्रेंड जो चाहते हैं कि भाई हम फीमेल नहीं रखना चाहते, तो आप अगर फीमेल नहीं रखना चाहते, अगर आप डॉग रख के पैसा कमाना चाहते हो, तो आप एक अच्छा लैब्राडोर लेके आना, मतलब मेल रख लो, बड़ा मेल 8-10 महीने का मेल आराम से मिल जाएगा, लेकिन मेल मिलेगा थोड़ा महंगा। अच्छी क्वालिटी का अगर मेल रखोगे तो लेकिन महंगा मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, उसका मेटिंग चार्ज से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि मेटिंग चार्ज अच्छे अगर डॉग आपके पास है केसीआई वगैरह, तो उसकी जो बात करूँ तो मेटिंग चार्ज होता है 10 से 15 हज़ार से स्टार्टिंग होता है, नॉर्मल है 10 हज़ार रुपये का चार्ज। अब आप देख लो, अगर आप एक महीने में अगर आप 5 फीमेल भी करवा रहे हो तो आपके 50 हज़ार सीधे सीधे बैठते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि फीमेल रख के आप पैसा कमाओ, आप मेल रख के भी पैसा कमा सकते हो, चाहे वो आप जर्मन शेफर्ड लेके कमा लो, चाहे वो लैब्राडोर लेके, लेकिन रखना वही अगर जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो। अगर नॉलेज डॉग के बारे में नहीं है तो सिंपल सा आप लैब्राडोर रख लेना, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है और इसमें कोई ज़्यादा इशू भी नहीं आएगा। लेकिन अगर अदर ब्रीड रखोगे, खासकर जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड रखोगे तो उसके बारे में नॉलेज भी रखना, और उसके लिए आपके घर में स्पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई के लिए उसके लिए मेरा जवाब था, अगर तुम रखना चाह रहे हो तो अपना बजट बनाना एक अच्छा सा, लेकिन फीमेल रखोगे या मेल रखोगे अच्छी क्वालिटी का रखना एकदम से, कि भाई आपके मतलब वो चीज़ होना चाहिए ना कि दूसरा बंदा देख के आपकी चीज़ों के वाह क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आनी चाहिए, वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू दोस्तों।